हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन स्पेसिफिकेशंस। सो आई हैव कवर्ड अप सेक्शन 37, 38 कवरिंग अंडर द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। यू कैन चेक इट इन माय प्लेलिस्ट। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डील विद सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एंड दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। नाउ व्हाट इट सेज, let us understand this according to the Bayrak language. Now section 39 says, effect of refusal of party to perform promise wholly. Now what it says in this section, ye section bolta hai ki agar contract mein do parties the, theek hai, agar un dono parties mein se bhi agar koi ek party contract ko pura nahi karti, ठीक है, देन दूसरी पार्टी के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकती है, एंड कर सकती है, खत्म कर सकती है। अब दो जो पार्टीज थी, उन दो पार्टीज में से जिसने अपना प्रॉमिस को पूरा नहीं करा था, वो दूसरी पार्टी से अपने कंडक्ट और बाय हिज एक्शन ही कैन अपोलोजाइज फॉर डैट। अब वो दूसरी पार्टी के ऊपर है वेदर डेट पार्टी वॉन्ट टू लेट हिम टू कंटिन्यू और नॉट, ठीक है, या दूसरी पार्टी वो पार्टी जो है उससे कंपनसेशन क्लेम कर सकती है बाय टर्मिनेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। या तो वो कंपनसेशन दे सकता है या तो वो माफी मांगकर दोबारे कंटिन्यू कर सकता है। सो दीज थिंग कैन हैपन। लेट अस अंडरस्टैंड दिस सेक्शन 39 विद अ इलस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट व्हिच हैज बीन मेंशनड। लेट अस अंडरस्टैंड। नाउ जो अभी इलस्ट्रेशन दिखाया वो क्या बोल रहा है, इस इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ए जो है बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। देखो, ए इज अ सिंगर एंड बी इज द मैनेजर ऑफ अ थिएटर। ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो 2 मंथ हर वीक 2 नाइट्स सॉन्ग गाएगा, ठीक है, जिसके लिए बी ए को 100 रुपीज देगा। नाउ ए जो है 6th night को एबसेंट हो जाता है विलफुली, वो गाना गाने नहीं आता थिएटर में। नाउ व्हाट हैपेंस, बी जो है ए को उसके परफॉर्मेंस के लिए एवरी नाइट 100 रुपीज दे रहा था 2 मंथ्स तक, राइट। अब 6th day में विलफुली एबसेंट हो गया। अब ये बी के ऊपर डिपेंड करता है कि बी के पास वैसे दो ऑप्शंस हैं कि इधर ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट और लेट हिम कंटिन्यू। अब ए ने अपना परफॉर्मेंस नहीं करा, राइट, तो बी इज एट लिबर्टी कि ही कैन पुट एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। या तो वो उससे कंपनसेशन भी क्लेम कर सकता है। नाउ सेकेंड इलस्ट्रेशन इज ऑल्सो सेम लाइक इलस्ट्रेशन 1 जो भी बताई। यहां पे भी ए एक सिंगर है, बी इज अ मैनेजर ऑफ द थिएटर। ए को गाना गाने के लिए बी उसे 100 रुपीज देता है। ए जो है वो 2 मंथ तक गाना गाएगा एवरी 2 नाइट, ठीक है। यहां पे ए जो है 6th day पे एबसेंट हो जाता है गाना गाने के लिए, बट बी जो है उसे उसको बाय हिज कंडक्ट उसे कंटिन्यू करने को बोलता है नेक्स्ट डे, लाइक 7th day में वो गा सकता है। बी उसे परमिशन दे देता है, बी गिव्स हिज एसेंट टू ए कि तुम 7th day पे अब गा सकते हो। नाउ बी हेयर कैन नॉट कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट। व्हाई? बिकॉज यहां पे बी ने अपने एसेंट से उसे बोला कि तुम 7th day गा सकते हो, बट बी जो है यहां पे कंपनसेशन क्लेम कर सकता है ए से कि तुमने अब जो 6th day गाना नहीं गाया उससे जो डैमेज हुआ बी को, ही कैन टेक इट फ्रॉम दी ए, वो उससे वो कंपनसेट कर सकता है। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, उन दो पार्टीज में से अगर दूसरी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने से मना कर दिया, देन इट डिपेंड, वो दूसरी पार्टी जो है उस पर दूसरी पार्टी से क्या ले सकती है, कंपनसेशन क्लेम कर सकती है। सो दीज टू इलस्ट्रेशन क्लियरली सिग्निफाइज डेट
अगर कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज हैं, तो एक पार्टी के पास ये राइट है कि अगर एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करने से मना कर दिया तो दूसरी पार्टी कैन ब्रिंग एन एंड टू द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकती है, बट दूसरी पार्टी जो है ईदर कैन क्लेम कॉम्पनसेशन और बाय कंडक्ट और वर्ड से उस पार्टी को या तो कंटिन्यू करने को कह सकती है, बट दैट पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस जो उनको अराइज हुए उस दिन ना गाने से, जो इलस्ट्रेशन में था, दैट पार्टी कैन क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम दैट पार्टी। ठीक है, सो दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट सेक्शन अंडर द टॉपिक ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड। सो सेक्शन 39 इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।